Okay, so let us first look at the content of Unit 4. However, I've already shared all the lectures, but just I want to discuss in brief. You can revise all those topics from the lecture shared. So you can see here that the Unit 4, elements of point set topology on R. So definition of neighborhood of a point, interior points, open sets, limit points, and derived set. See, these four are important points. And Bolzano-Weierstrass theorem for sets, similar proof to Bolzano-Weierstrass theorem for sequences. And then you need to work on closed sets and its characterization. And in brief, I have discussed compact set, connected, and compact set. This you need to cover. Okay, so actually in metric space, I will deal compactness and connectedness in detail, but here you need to focus on open set, closed set, and neighborhood of a point, interior point. These three, four topics. And this, you can follow from this Bartley, that book. N.P. Wali. ये पढ़े नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट. देखो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट इंटरवल आप जानते हो, मुझे नहीं लगता इसमें पढ़ाने की जरूरत है. एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट, बट इनफाइनाइट सेट नीड नॉट बी एन इंटरवल. क्यों? कोई काउंटर एग्जांपल, जैसे 2-3 यूनियन सेट ऑफ नेचुरल नंबर. हाँ, 2-3 यूनियन 7-8 इज नॉट एन इंटरवल. ओपन इवन 2-3 यूनियन 7-8, 2-3 यूनियन 7-8 इज नॉट इन इंटरवल, क्योंकि 3-7 के बीच में 5 है, 5 उस सेट का मेंबर नहीं, सो दिस इज नॉट एन इंटरवल. आपको कराया था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, मैं ये सब चीजें डिस्कस कर चुका हूँ. सो एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट, बट इनफाइनाइट सेट नीड नॉट बी इंटरवल. तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर. वाई? बिकॉज सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जैसे मान लो 1 और 2 ले लो, तो 1-2 के बीच में रियल नंबर 1.5 भी लाइक करता है, बट 1.5 इज नॉट इन द सेट. Okay, a finite interval is also an infinite set because the word finite only signifies that the length of interval is finite. Now, neighborhood of a point. Read kare neighborhood of a point, fir main discuss karta hu. Neighborhood of a point aur ye deleted neighborhood kya hota hai aur ye sab result. Read kare, iske baad main discuss karta hu. Ye dono. Mainly hum log theorems dekhenge. Proof already maine lecture mein kara rakha hai. So, I am not going to discuss the proof here. ठीक है, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट का डेफिनेशन देखें. अ सबसेट एन ऑफ आर इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई कंटेनिंग पी एंड इटसेल्फ कंटेन्ड इन एन एंड इटसेल्फ कंटेन्ड इन द सेट. ठीक है, तो किसी भी रियल नंबर के किसी भी सबसेट को हम नेबरहुड कहेंगे. नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट किसी पॉइंट पी का नेबरहुड अगर हमें देखना है, तो आर का कोई सबसेट, वेदर इट इज नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी और नॉट, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ओपन इंटरवल कंटेनिंग पी एंड कंटेन्ड इन एन. सो दिस इज द रिक्वायर्ड डेफिनेशन. आई मीन इफ पी इज, इफ एन इज नेबरहुड ऑफ पी, रिमेंबर इफ एन इज नेबरहुड ऑफ पी, देन यू नीड टू कंस्ट्रक्ट एटलीस्ट वन ओपन इंटरवल विच कंटेन्स पी एंड विच इज कंटेन्ड इन टू एन. दिस इज द रिमार्केबल डेफिनेशन यू नीड टू लर्न. और एप्सिलॉन नेबरहुड मैंने बताया था कि पी का एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होता है, पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन. आप याद रखो पी का एप्सिलॉन नेबरहुड कितना होगा, पी माइनस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो. रिमेंबर दैट एप्सिलॉन इज अ रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो. नाउ लुक एट, सो and here remember that the here requirement is of at least one open interval. जैसे मैं कहूं कि this set, this subset n of R is a neighborhood of a point P, so we need to show that there exists at least one open interval which contains P and which is contained into n. So this definition is very important. Deleted neighborhood of P, if you delete the point P from this epsilon neighborhood of P, that is called, naam de diya deleted neighborhood, that is none.
है ना, ओपन इंटरवल पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन में से अगर पी को इटसेल्फ हटा दें तो डिलीटेड नेबरहुड कहलाता है. सो दैट नाउ कम ऑन दिस रिजल्ट. हियर द क्लेम इज दैट द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट. सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट. वाई? नेचुरल नंबर में क्या है, देखो 1, 2, 3, 4. So if you plot it on number line, now question is whether any, the set n of natural number is not neighborhood of any of its point. So पहले set of natural numbers आप कोई point लो. तो set of natural number से मुझे लग रहा है मैं इस पे लिखने में आपको दिक्कत हो रही है, चलिए मैं समझा देता हूँ इसी में. जैसे मान लो हमने कोई भी natural number n ले लिया, n general ले लिया, तो n का neighborhood क्या होगा, n minus epsilon, n plus epsilon. और आपको ये, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डेफिनेशन दे रखा है ना, इस डेफिनेशन को आपको फॉलो करना है. n की जगह पे यहाँ पे ये बेसिकली n इन जनरल यहाँ को इससे डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे ये इस तरह n नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए n. सेट ऑफ नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड नोटेशन होता है. तो आपको ये दिखाना है कि जैसे p की जगह पे हमने 1 ले लिया, 1 ले लिया और यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो 1 और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बीच में 1 को कंटेन करने वाला एटलीस्ट एक एप्सिलॉन नेबरहुड होना चाहिए जो 1 को कंटेन करे और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कंटेन्ड हो. अब क्वेश्चन ये कि एप्सिलॉन तो आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो जब भी आप 1 का नेबरहुड बनाओगे, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, तो वहां पे क्या होगा कि किसी भी इंटरवल में नॉन ट्रिवियल इंटरवल में, नॉन ट्रिवियल इंटरवल इन द सेंस कि एम्प्टी सेट एंड सिंगलेटन, दोस इंटरवल्स आर, एवरी इंटरवल इज कॉल्ड एज नॉन ट्रिवियल. तो नॉन ट्रिवियल इंटरवल में रेशनल इरेशनल सारे नंबर्स होते हैं, एंड दोज आर नॉट गोइंग टू बी कंटेन्ड इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इज इट ओके? सो यू कांट कंस्ट्रक्ट एनी ऑफ द, यू कांट कंस्ट्रक्ट एनी ऑफ द नेचुरल, आई मीन इंटरवल विच इज कंटेन्ड इन टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर. अगर नहीं समझ में आया तो मैं अलग से लिख के बताऊं. समझ में नहीं आया, इसका मतलब आपने पीछे लेक्चर देखा नहीं था, ये तो मैंने रिविजन क्लास के लिए बोला था. आप लोग पूरा टाइम वेस्ट करते हैं, आपको 5-6 लेक्चर मैंने शेयर किए थे देख के आने को, बिल्कुल आप लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. मैंने कहा था कि आप लेक्चर देख लेंगे उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा. चल देखते हैं. क्वेश्चन इज, पहले ये बताओ कि सपोज एन इज सबसेट ऑफ आर, देन एन इज सेट टू बी, n is said to be neighborhood of a point. Point here, everything I am considering as real number. So I am not going to call every time a real number. N is said to be neighborhood of a point A if there exist at least one open interval. देखो definition बहुत important है pure mathematics. At least one open interval. Interval which contains A and which is contained into N, which contains A and which is contained in the set which you are claiming. Here N is not denoting a natural number, N can be any set contained in N. That is, there exist at least one epsilon greater than zero, such that how you will write mathematically, such that A belongs to A minus epsilon, A plus epsilon, and this is contained into, sorry, set of natural number keh raha hu, the set which we are claiming. So remember, we are claiming in this set as a neighborhood of a point A if there exists at least one open interval. And in short, you can denote it as IA. IA here stand for A minus epsilon, A plus epsilon. इस notation को हम use करेंगे, है ना? बार-बार ये interval लिखने के जहाँ पे IA में कहने का मतलब open interval A minus epsilon, A plus epsilon. तो कम से कम एक epsilon neighborhood ऐसा A का मिले जो A को contain करे और A में, और जिस set को आप claim कर रहे हैं कि neighborhood A का, तो वो इसका sorry
वो इसमें कंटेंट हो, तो कम से कम देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो मींस वी नीड टू शो दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन. ये एटलीस्ट वन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हर एक नहीं शो करना, कम से कम एक शो करना. तो हमेशा देखो इसमें अप्रोच करने से पहले आपको ये डेफिनेशन सामने रखना है और स्टेप वाइज स्टेप चलना है. अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये ले लेता हूं n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ये n जनरल सेट डिनोट कर रहा है और यहाँ पे ये जो n हमने इस तरह लिखा है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. क्लेम इज दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर is not neighborhood of any of its point, मतलब ये जो set of natural number में numbers है ना, 1, 2, 3, 4 and so on, तो यहाँ पे जैसे मान लो ये set of natural number ना ही 1 का neighborhood है, ना ही 2 का neighborhood है, ना ही 3 का neighborhood है, किसी का neighborhood नहीं है, तो कैसे show करें, question ये है. तो देखो let us take a equal to 1 and we need to show that n is not a neighborhood of 1. ये मुझे show करना है. कैसे show करेंगे, आपको definition लिखना है. देखो यहां पे n की जगह तो हो गया set of natural number, आपको show क्या करना है कि there exists epsilon greater than 0 such that 1 belongs to I1 and is contained into set of natural number. ये requirement है. देखो यहाँ पे n की जगह पे हमने set of natural number लिख दिया, a को choose कर लिया 1. अब आपको ये construct करना है, क्या आप ये construct कर सकते हो? I1 क्या है? I1 is 1 minus epsilon, 1 plus epsilon. क्या किसी epsilon positive के लिए आप ये दिखा सकते हो कि 1 का neighborhood, वन का नेबरहुड, ये जो वन माइनस एप्सिलॉन और वन प्लस एप्सिलॉन होगा, इसमें तो इनफाइनाइट रेशनल्स और इरेशनल्स होंगे. किसी भी इंटरवल में, किसी भी नॉन ट्रिवियल इंटरवल में इनफाइनाइट रेशनल्स इरेशनल हैं. सो कैन दिस सेट बी कंटेन्ड इनटू एन फॉर एनी एप्सिलॉन? नो सर, टेक एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ. हाँ, कोई भी एप्सिलॉन ले ले, ये किसी के लिए होल्ड नहीं करेगा. ओके सर, किसी के लिए होल्ड नहीं करेगा. तो आप यहाँ रीजन दोगे, सिंस एनी इंटरवल contains infinite rational and irrational, and irrationals, so this set cannot be contained into set of natural number. अब एक की जगह वन की जगह अगली बार टू कर दो. और in general there exists no epsilon for which a belongs to a minus epsilon, a plus epsilon, and this is contained into n. ऐसा कोई epsilon मिलेगा नहीं. So in general, I can say that set of natural number is not neighborhood of any points. Set of natural number is not neighborhood of any points. Clear हुआ ये? Yes sir. कुछ और example देखते हैं. मैंने actually में जो आपको lecture share किया ना, उसे देख लेंगे. उसमें मैंने बहुत detail में पढ़ाया है. Yes sir, देखा था. मैं यहाँ तो सिर्फ, मैंने आपसे कहा था कि वहां पे देख लेंगे, यहाँ मैं सिर्फ एग्जांपल डिस्कस करा दूंगा, शॉर्ट में रिकॉल करा दूंगा. वेट करें, दूसरा एग्जांपल लेते हैं. अच्छा देखो, इसमें ना एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, प्योर मैथमेटिक्स में हमेशा आप डेफिनेशन को वर्कआउट करोगे, डेफिनेशन आप स्किप नहीं करोगे. ठीक है, next claim is that the set R of real numbers is a neighborhood of each of its point. कैसे शो करेंगे? Sir, take any A belongs to R, then
अब देखो ये दो ना डेफिनेशन क्या कहता है, ओके सेट ऑफ रियल नंबर इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, और आपने पढ़ा था कि एन एन ठीक है एन ही ले लो, एन सपोज एन इज सबसेट ऑफ आर, देन एन इज सेट टू बी नेबरहुड, सेट टू बी नेबरहुड। हमेशा डेफिनेशन रिकॉल कर, देखिए ये चीज बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन अगर आप डेफिनेशन स्किप करेंगे अपना दिमाग लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ प्योर मैथमेटिक्स में जो डेफिनेशन का डिमांड आपको स्ट्रिक्टली वो फॉलो करना है, और बिल्कुल रियल लाइन की ज्योमेट्री, नथिंग एल्स। एन इज सेट टू बी नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स ऑफ ए इफ देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट ए बिलोंग्स टू ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन एंड दिस इज कंटेन्ड इनटू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं कुछ बुक्स में ना, ये नोटेशन इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये बिलोंग्स टू ए माइनस एप्सिलॉन, तो देखो ए का नेबरहुड बनाओगे एप्सिलॉन नेबरहुड तो ए को कंटेन करेगा, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली ये दिखाना है ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इनटू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ये दिखाना है, कम से कम एक मिल जाए। हाँ तो अब ये बताओ ये है क्या बेसिकली, आपका ये रियल लाइन क्या है, यही तो है रियल लाइन। अब इस पे कोई भी आप आर्बिट्री ए ले लो, तो ए के पीछे कट कर दो ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, तो ये जो इतना बना पोर्शन, ये जो इतना पोर्शन बना वो तो इस पूरे नंबर लाइन में तो कंटेंट होगा, इन्हों तो दिख रहा है ज्योमेट्री से, सो दिस इज ऑलवेज ट्रू। भाई ये एन क्या है, ये एन क्या है, ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक ये एन हो गया, और आप कोई भी रियल नंबर ए ले लो तो ये तो हमेशा एक इंटरवल मिलेगा ना, सो दिस इज ऑलवेज कंटेंट टू एन, सो दिस इज द रीजन। अब यहाँ पे आप मान लो ए ले लेते हो तो ये इंटरवल मिल जाएगा, सो दिस इज ऑलवेज ट्रू, सो दिस इज द रीजन वाई सेट आर ऑफ रियल नंबर्स इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Whether Q set of rational number, look, take Q as set of rational number. Now my question is Q a neighborhood of A equal to 2? चले पहले सब लोग सोचे, डेफिनेशन हमेशा सामने लिखे उसके बाद, डेफिनेशन में बार बार कह रहा हूं आसान, आप डेफिनेशन रिकॉल करें, ए एन इज नेबरहुड ऑफ ए, एन इज, हाँ तो प्रॉपर लॉजिक चाहिए, एन इज नेबरहुड ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ए बिलोंग्स टू आई, आई क्या, हम ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन लिखेंगे, इज कंटेंड इनटू एन, सॉरी एन सेट है, एन इज सबसेट ऑफ आर, नॉट अ रियल नंबर, ये रियल नंबर का सेट होगा तो मैं ऐसे डिनोट करूंगा, ठीक है ना, इन जनरल ये कोई भी आर्बिट्री सेट है। सर लेट अस टेक n सबसेट ऑफ q एंड हां n इज द नेबरहुड ऑफ a, n की जगह आपको क्या लेना है, q q, क्योंकि यहां का सेट क्या q ये है, और a की जगह क्या लेना है 2, और ये आपको दिखाना है 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, ये कंस्ट्रक्ट करना है, दिस यू नीड टू कंस्ट्रक्ट, ये दिया है ये दिया है, आप ये बताओ कि क्या कोई ऐसा एप्सिलॉन होगा जिसके लिए ये लेंथ जो है 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन ये इंटरवल क्यू के अंदर कंटेंट हो जाए, देखो 2 तो हमेशा होगा ही 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन में, क्वेश्चन यहाँ कंटेनमेंट का है, इस यहाँ कंटेनमेंट होगा कि नॉट कंटेनमेंट होगा, क्या होगा, ये होगा या ये होगा इन दोनों में से, x belongs to 2 minus epsilon to 2 plus epsilon such that x belongs to q complement. Sir, इसमें irrational number भी होंगे इस set के अंदर। देखिए q complement में भी नहीं होगा। आप simply यहाँ ये को क्यों क्यों irrational वाले फिर q complement में लाइक करेंगे ना? हाँ बस simply आप यहाँ ये कहोगे कि this set contains rational as well as irrational. किसी भी non-trivial interval, non देखो जब भी मैं कहूं नॉन ट्रिवियल इंटरवल में आप ट्रिवियल इंटरवल एम्प्टी सेट, ट्रिवियल इंटरवल जो होता है सिंगलटन,
हाँ एम्प्टी सेट और सिंगलेटन को बेसिकली डिनोट करते हैं। तो जब भी मैं नॉन ट्रिवियल कहूँ ना तो फाई और एम्प्टी सेट को छोड़ के कोई भी नो, तो अगर कोई भी ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है, लेंथ एक से ज्यादा है सॉरी, तो इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों होंगे एंड दस इट कैन नॉट बी कंटेन्ड इनटू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आंसर यहाँ क्या गया, कैन नॉट बी कंटेन्ड इनटू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपको लॉजिक देना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि टू का मैं कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड लू, बेसिकली देर एग्जिस्ट नो सच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट दिस इंटरवल इज कंटेन्ड इनटू क्यू, एंड सेम लॉजिक इज ट्रू फॉर सेट ऑफ इरेशनल्स। So we will say that set of rational number is not neighborhood of 2. In fact, set of rational number is not neighborhood of any of its, is not a neighborhood of any of the rational number. Yes, sir. अगर किसी को अभी भी doubt है तो पूछ ले, बहुत basic है। वो तो मेरे recorded lecture है, मैं तो यहाँ से short में discussion करा रहा हूँ कि क्योंकि बहुत से लोग कसम खा के बैठते हैं जब तक तो टीचर नहीं पढ़ाएंगे मैं पढ़ूंगा नहीं, तो ये उनके लिए है, या जिन लोगों ने रिवीजन कर रखा है उनको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो नहीं पढ़ोगे तो आसान चीजें भी टफ लगेगी। अब ये क्या है, सिंपल रियल लाइन की ज्योमेट्री है और आपको एक डेफिनेशन फॉलो करना है, इधर राइट में डेफिनेशन लिखा हुआ है, नथिंग। अब इसको टफ बना लोगे, आपकी वो नेबरहुड ऑफ पॉइंट और वो प्योर कर्व की मैथमेटिक्स है, पता नहीं क्या है उसमें समझ नहीं आ रहा, तो आपको कोई नहीं सिखा सकता। ओके लेट अस मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। भाई क्लास में और भी लोग पार्टिसिपेट करें, मैं पूछूंगा भी सवाल। अच्छा यहाँ पे ना एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो अक्सर हम लोग एप्लीकेशन में यूज करते हैं, तो मैं लिख दूं, अ सेट ए इज नेबरहुड ऑफ से अ रियल नंबर एक्स इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट there exist a positive integer n such that x minus 1 upon n x plus 1 upon n is contained into a। ये भी एक इक्विवेलेंट डेफिनेशन और बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और मेरे समझ से ये आपको दिखाई दे रहा होगा कहां से लिख दिया ये, कोई बताना चाहेगा फिर ये, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैंने कई बार पढ़ाया है आपको। फिर ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से निकाला है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, ये अ सेट ए इज से अ नेबरहुड ऑफ एक्स, अ सेट ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एक्स माइनस वन बाय एन एक्स प्लस वन बाय एन और इन जनरल यू कैन से सच दैट। देखो x का नेबरहुड बना रहे हो ना, x x यहाँ पे है और उसके पीछे कट कर रहे हो x माइनस वन बाई एन और राइट में कट कर रहे हो x प्लस वन बाई एन, तो ऑब्वियस है इस इंटरवल में x तो होगा ही होगा, तो बार बार x बिलोंग्स टू यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती, चाहो तो लिख दो, नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इफ इफ दिस इज कंटेन, तो अब अगर आप नेबरहुड की डेफिनेशन याद करो, a इज नेबरहुड ऑफ x क्या था अभी, a इज नेबरहुड ऑफ x if there exists epsilon greater than 0 such that x belongs to x minus epsilon x plus epsilon and this is contained into a, yahi to definition tha neighborhood of a point, we will say that a is neighborhood of a point a, a is neighborhood of a point a of a point x if there exists at least one interval x minus epsilon x plus epsilon which is sitting inside a which is contained into a, ठीक है ना, ये requirement है। लेकिन यहाँ epsilon को replace कर दिया 1 by n से। अब अगर आप Archimedean property of real number recall करो, Archimedean property of real number, already कई lecture में इसे बना चुका हूँ, जाके देख लेना account में Archimedean property of, कई बार मैं real number Archimedean property discuss करा हूँ, अभी भी मैं पूछूँ तो बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे। क्या था definition? That for every epsilon greater than zero there exists n belongs not to belonging to n such that 1 by all, n is less than epsilon for every n greater than equal to n naught, है ना? तो ये 1 by n less than epsilon, अब ये बताओ
ये 1/n अगर लेस देन एप्सिलॉन है और दोनों साइड आप एक काम करो, ठीक है, एक साइड कर, 1/n ग्रेटर देन माइनस, हाँ ऐसे, मतलब यहीं से इंटरप्रेट कर लो, कलर चेंज कर दो पेन, यहाँ पे ये 1/n, ये तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ एप्सिलॉन से रियल नंबर से श्योर है कि कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव दिया हो हमेशा कम से कम कोई ना कोई एन नॉट मिलेगा, जिसके बाद के सारे एन के लिए इवन इफ स्टार्टिंग फ्रॉम एन नॉट 1/n इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। तो अब ये जो 1/n लेस देन एप्सिलॉन है ना, देखो आप इसको बना सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, obviously इसको यू कैन राइट इट एज 0/1/n लेस देन एप्सिलॉन, 0 तो इससे बड़ा होगा ना, 1/n से छोटा होगा, सो नाउ एड यू कैन जस्ट टू शो दैट दिस विल कंटेन हियर यू कैन डू वन थिंग, ओके एड x टू दिस वन 1/n लेस देन एप्सिलॉन, सो एड x पॉजिटिव टू बोथ साइड, x प्लस 1/n इज लेस देन x प्लस 1 x प्लस एप्सिलॉन, है ना, x plus 1/n is less than x plus epsilon, मतलब अगर ये x है और यहाँ पे x plus epsilon है, x plus 1/n इससे छोटा होगा, ठीक है, उसी तरह इधर भी देख सकते हो, इधर जैसे x minus epsilon है ना, तो आप प्रूफ करके देखो ये x minus 1/n से छोटा होगा, है ना, यहाँ यही पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, आप कहोगे माइनस 1/n इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, जस्ट एड x minus 1/n इज ग्रेटर देन x minus epsilon, तो x minus 1/n ये क्वांटिटी इसके राइट में होगी, है ना, x माइनस 1/n x माइनस, तो आप देख सकते हैं ये जो लेंथ आया इंटरवल का ये कंटेंट इसके अंदर, तो अगर आप ये दिखा दो तो करते क्या है ना कि इस तरह भी लिख देते हैं, तो आप ये भी बना सकते हैं एप्सिलॉन की जगह 1/n ले लो, क्योंकि आपको ये शो करना ना कम से कम एक इंटरवल लाइक करे, किस लेंथ का इंटरवल हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन एप्सिलॉन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसको हम प्रैक्टिकल आई मीन एप्लीकेशन में ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, तो मूवी द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्लियर हो गया होगा, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्लियर हो गया, तो ये जो डेफिनेशन हम लिखते हैं ना, ए बिलोंग्स टू ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन एंड दिस इज कंटेन इन टू, या एक्स लिख दो, एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन एंड दिस इज कंटेन इन टू ए, तो हम कहते हैं कि ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स, ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स if there exist epsilon greater than 0 such that this condition is true. इसी definition को दूसरी तरह interpret करते हैं, देखो आप कहोगे x is said to be interior point, x is said to be interior point of set A if there exist epsilon greater than 0 such that x belongs to x minus epsilon, x plus epsilon, and this is sitting inside A. Interior point, another important definition. Same definition repeat करना है, अगर x के round at least एक आप interval construct कर ले जाओ, open interval, जो x को contain कर और A में contained है, तो हम कहेंगे x जो है वो A का interior point. X is interior point of A. And remember, if each member of the set is an interior point, then A is said to be open. तो open set का definition क्या है? If for every x belonging to A, A is said to be open. A subset है R का, A subset है R का. A is said to be an open set. ओपन सेट नॉट ओपन इंटरवल, ए इज सेट टू बी एन ओपन सेट और ओपन इंटरवल में फर्क भी बताऊंगा, ए इज सेट टू बी एन ओपन सेट इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन ऑब्वियसली दिस विल कंटेन एक्स इज कंटेन्ड इनटू ए, यहां देखो फॉर एवरी लगा दिया, नोटिस करो फॉर एवरी, अब इस डेफिनेशन को आप लोग देख लो, तो उसके बाद मैं कुछ और समझाता हूं, कोई डाउट हो तो पूछ,
सर एक बार सर ओपन सेट और ओपन इंटरवल का जो डिफरेंस है बता दीजिए सर, डिफरेंस। देखो ऐसा करते हैं ना, इसको किसी एग्जाम्पल समझते हैं। बस मैं इसको किसी एग्जाम्पल समझाता हूं। डेफिनेशन इसको आप लोग चाहे तो इसका स्नैपशॉट ले लें, इसी डेफिनेशन को मैं यूज करने जा रहा हूं। इस डेफिनेशन से टोटल आपको ओपन सेट, इंटीरियर पॉइंट और नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक रिजल्ट है, देखो जैसे ए अगर सपोज ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स, तो क्या रिक्वायरमेंट थी कि एक्स को कंटेन करने वाले एटलीस्ट एक इंटरवल मिले जो ए में कंटेंड हो। एक बात बताओ, अगर ए का अगर आप कोई सुपर सेट ले लोगे तो भी तो ये इंटरवल उसके अंदर कंटेंट होगा। सो रिमेंबर दैट सुपर सेट ऑफ नेबरहुड इज ऑल्सो नेबरहुड। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? यस सर। मैंने ये कहा कि ए को एक्स का नेबरहुड होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कम से कम एक इंटरवल हो जो एक्स को कंटेन करे और खुद ए में कंटेंट हो। तो अगर आप बी अगर सुपर सेट लेते हो, एक सबसेट ऑफ बी, बी सुपर सेट है तो ए के अंदर अगर ये इंटरवल कंटेंड है तो बी के अंदर भी तो कंटेंड होगा। यस सर। इफ ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स, सो एनी सुपर सेट ऑफ ए इज आल्सो गोइंग टू बी नेबरहुड ऑफ एक्स। बहुत देखो ट्रिवियल चीजें हैं, सिर्फ सोचने समझने का फर्क है, कोई स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूं, अभी मैं प्रूफ करूंगा कि ओपन इंटरवल 1-2 इज नेबरहुड, ओके ओपन इंटरवल 1-3 इज नेबरहुड ऑफ से 2, एंड नॉट ओनली दिस, ओपन एट 1 एंड क्लोज एट 3, देखो ये इसका सुपर सेट है, इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ 2। इस पे आप सोचना, 3 में देखो ओपन इंटरवल 1-3 में का क्या मतलब होता है, 1 less than x less than 3 ना, एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते। और इसमें क्या हुआ, इसका मीनिंग 1 less than x less than equal to 3, इसमें एक पॉइंट बढ़ गया ना, तो ये इसका सुपर सेट हो गया। इसके सारे पॉइंट तो हैं ही इसके अंदर, इसके सारे पॉइंट तो इसके अंदर हैं, और एक 3 बढ़ गया, ये सुपर सेट हो गया। सुपर सेट हो गया। तो अगर ये, तो अब मैं ये कह सकता हूं इफ a इज नेबरहुड ऑफ x देन एनी सेपर सुपर सेट ऑफ a इज आल्सो नेबरहुड ऑफ x। यस सर। Yes, sir. अब इसको दूसरी तरह से देखो, मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बात नहीं, लेकिन पहले जरा डेफिनेशन को आप गौर करो, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब इसी में आंसर छुपा हुआ है। 2-3 सिर्फ डेफिनेशन है, एक ये लाइन हो गया, इसी में पूरी आधी चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपको एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पीछे आपको मैं इतना डिटेल में करा चुका हूं एप्सिलॉन नेबरहुड और ये सब, तो आपको यहां दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट ईयर असल में ऐसा हुआ था ना, असल में देखो सेमेस्टर सिस्टम प्रॉब्लम क्या होती है ना, लेक्चर्स कम अवेलेबल होते हैं। अब कोई भी टॉपिक थोड़ा सा आप डिटेल में जाओ तो लास्ट में कम पड़ जाता। पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने इसको पहले स्टार्टिंग की थी तो वहां इसको ज्यादा डिटेल पढ़ा था, लेकिन सीक्वेंस सीरीज में टाइम कम मिला था। इस बार हमने रोटेट कर दिया है, तो आप अगर लास्ट ईयर के लेक्चर्स भी अकाउंट में है वहां जाकर सब रिवाइज कर लेंगे। मैं यहाँ पे वहां पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल डिस्कस कराए हैं, यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में रिविजन करा दे रहा हूँ ताकि आप उस लेक्चर से रिवाइज कर लें। एक्चुअली इसका यूज बहुत ज्यादा है, जो यूनिट 4 है ये टोटल आपको अगले सेमेस्टर मेट्रिक स्पेसेस में, फिर आगे टोपोलॉजी में, हर एक जगह यूज होगा, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट पैरेलल चलेगा। सो रिमेंबर दैट एक्स इज सेट टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट ए इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन इंटरवल, एटलीस्ट वन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मींस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन इंटरवल, क्योंकि देखो एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए तो इंटरवल बनेगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन इंटरवल which contains x and which is contained into a,
So this is definition of interior point. And when we say that a set is open, so a set is said to be open if every member of set is an interior point. किसी भी सेट का अगर हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो गया तो वो सेट क्या कहलाएगा? ओपन सेट. ओपन सेट. अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं एग्जांपल के तौर पे. अच्छा हाँ ये देखो एग्जांपल दे रहा हूं 1 2 union 4 5 ले लो. दिस वन इज एन ओपन सेट. मैं प्रूफ कर दूंगा इज एन ओपन सेट बट नॉट एन इंटरवल. इंटरवल क्यों नहीं है? क्योंकि 2 और 4 के बीच में 3 लाइक करता है, 3 सेट में नहीं है. मान लो इसको मैं नाम देता हूं ए. सो दिस इज नॉट एन इंटरवल बट दिस इज एन ओपन सेट. क्यों ओपन सेट है? क्योंकि इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट. वो कैसे शो करोगे? तो मैं अभी आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं. जैसे आप मैं ये कह रहा हूं कि नेक्स्ट एग्जांपल ओपन इंटरवल 1 2 this is an open set. ये एक open set है. open interval भी open set भी है. मैं example दूंगा जहां पे open set तो है लेकिन interval ना हो. देखो जैसे ऊपर वाला example ये है कि open set तो है लेकिन interval नहीं है. union of two interval need not be interval. ये अलग, ये सिर्फ ओपन इंटरवल 1 2 कंसीडर करोगे कि ओपन सेट है, ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है, बट देयर यूनियन इज नॉट एन इंटरवल. इन पॉइंट्स को गौर करें, देयर यूनियन इज नॉट एन इंटरवल. नाउ माय क्लेम इज दैट ओपन इंटरवल 1 2 इज एन ओपन सेट. ओपन एट 1 एंड क्लोज्ड एट 2 इज नॉट एन ओपन सेट. इज नॉट एन ओपन सेट. तो पहले देखते हैं क्यों ये ओपन सेट नहीं है. देखो डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर कोई सेट ओपन है तो उसका कोई भी पॉइंट उस सेट का, अच्छा ये x उसी सेट से आना चाहिए. ओपन सेट में रिक्वायरमेंट है कि x उसी सेट का है, ठीक है ना? तो उस सेट का हर एक मेंबर, कोई भी आप मेंबर उठा लो, हर मेंबर के अराउंड एटलीस्ट एक इंटरवल मिलेगा जो उस सेट के अंदर कंटेंट हो. तो अगर किसी एक से एक पॉइंट के लिए भी फेल कर गया सो दैट सेट इज नॉट एन ओपन सेट. इस एक लाइन के डेफिनेशन को आपको फॉलो करना है, इसी डेफिनेशन को फॉलो करना है. इट शुड बी ट्रू फॉर एवरी एक्स बिकॉज़ वी आर टॉकिंग फॉर ओपन सेट. नाउ माय क्लेम इज दैट ओपन इंटरवल 1 2 इज नॉट एन ओपन सेट. देखो अब बहुत आसान है, पहले ज्योमेट्री समझो फिर मैं बताऊंगा मैथमेटिकली कैसे लिखते. ये 1 है और यहां पे 2 है. ये 2 वाला पॉइंट इंक्लूड है, ये पॉइंट इंक्लूड है और ये एक्सक्लूडेड है 1. तो मैं इसको ऐसे सर्किल कर दे रहा हूं, ठीक है? इसके बीच के सारे रियल नंबर है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2. तो 2 तो इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है. मेरा क्लेम ये है कि x इक्वल टू 2 इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट. x इक्वल टू 2 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है. यहां पर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, अ सेट इज सेट टू बी ओपन इफ एवरी पॉइंट ऑफ सेट ए is an interior point. If every point of set A is an interior point. ये इसी का equivalent definition है, यहां से दिख भी रहा है, ठीक है? अच्छा अब ये बताओ कि अगर 2 interior point होता तो मुझे क्या show करना होता? So ये यहां, बिल्कुल कर, so, compare कर देखो. 2 अगर interior point होता तो x की जगह 2 लिखो. set आपको क्या दे रखा है? ओपन एट 1 एंड क्लोज एट 2. कंपेयर करें, डेफिनेशन से कंपेयर करना इंटीरियर पॉइंट. किसी पॉइंट को हम कब इंटीरियर पॉइंट कहते हैं? तो 2 के अराउंड मुझे एक इंटरवल बनाना है, कम से कम एक इंटरवल जो 2 को कंटेन करे और खुद इस सेट में कंटेन्ड हो. ये रिक्वायरमेंट है. आई मीन 2 बिलोंग्स टू 2 माइनस एप्सिलॉन एंड दैट शुड बी कंटेन्ड इनटू ओपन एट 1 2 एंड क्लोज एट 2. ये है. अब बताओ 2 के अराउंड कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड, 2 के लेफ्ट में जाओगे 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 के राइट में जाओगे 2 प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन तो ग्रेटर देन 0. तो जैसे ही 2 में आप एप्सिलॉन ऐड करोगे तो आप उसके राइट में हो गए. राइट में होते ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा. नहीं समझ में आया?
यस सर आ गया सर आ गया ये क्योंकि यहाँ यहाँ पे क्या ना ये टू पे तो क्लोज हो जा रहा है ना आई मीन टू के बाद इसमें रियल नंबर इंक्लूडेड नहीं है और टू और टू प्लस एप्सिलॉन के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं जो कि इसके अंदर नहीं तो ये कंटिन्यूएंट रिलेशन पॉसिबल नहीं है हो गया आंसर सो टू इज दिस इंप्लाइज दैट टू इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट तो ये ओपन सेट भी नहीं हुआ क्यों क्योंकि अगर ओपन सेट होता तो इस सेट का हर मेंबर क्या होता इंटीरियर पॉइंट तो मैंने एक ऐसा पॉइंट दिखा दिया एक ऐसा उस सेट का मेंबर जो कि इंटीरियर पॉइंट नहीं है दिस इज द रीजन व्हाई ओपन एट वन एंड क्लोज एट टू दिस इंटरवल इज नॉट एन ओपन सेट आपको ये बात मैं बता रहा हूं प्योर मैथमेटिक्स सीखना बहुत आसान है प्रोवाइडेड यू कीप डेफिनेशन इन फ्रंट ऑफ यू जब भी पढ़ना डेफिनेशन को सामने लिख के वर्ड बाय वर्ड कंपेयर करना प्योर मैथमेटिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं और अगर आपने ये डेफिनेशन कहीं एक भी चीज स्किप किया फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट इस सब्जेक्ट से टफ नहीं है किसी को डाउट तो पूछो मैं अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन और करा दूं आज और कल मैं दो दिन क्लास लूंगा थोड़ा थोड़ा ऐसे शॉर्ट में डिस्कशन करा दूं बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोग देख डालेंगे मैं ये सब नहीं कराने जा रहा प्रूफ यूनियन ऑफ टू ओपन सेट क्या होगा ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने शेयर कर दिया है और पहले शेयर कर दिया तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दोस सेक्शन ओके नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोज्ड इंटरवल 1 2 is not an open set कैसे प्रूफ करेंगे क्लोज्ड इंटरवल 1 2 ओपन सेट नहीं है सर इसकी शो दैट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 आर नॉट इट्स इंटीरियर पॉइंट ठीक है आर नॉट सेट्स क्लोज इंटरवल की वजह से ये 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू ये हालांकि कोई एक भी फेल कर जाएगा इस सेट का तो ये ओपन सेट नहीं होगा लेकिन शो कैसे करोगे आप मान लो x इक्वल टू 1 ले लिया तो डेफिनेशन क्या इफ 1 इज एन इंटीरियर पॉइंट इफ 1 इज एन इंटीरियर पॉइंट देन there exists epsilon greater than 0 such that 1 belongs to 1 minus epsilon 1 plus epsilon and this should be contained into 1 2 ये requirement है लेकिन problem क्या होगा कि देखो ये तो आपका set दे रखा 1 से 2 तक 1 से 2 तक ये तो set है अब अगर 1 का कोई भी neighborhood बनाओगे तो 1 के पीछे जाओगे 1 minus epsilon और 1 के right में 1 plus epsilon क्योंकि epsilon क्या greater than 0 तो ये जो पोर्शन है ना ये पोर्शन ये बाहर निकल गया सो दिस कंटेनमेंट इज नॉट पॉसिबल इज दिस क्लियर ठीक है ये समझ आ गया क्यों नहीं कंटेनमेंट होगा सो दिस शोज दैट Thus, one is not an interior point. तो उससे अगर किसी सेट का एक पॉइंट भी ऐसा शो कर दिया जो कि उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है सो दैट सेट विल नॉट बी एन ओपन सेट क्लियर हो गया यस सर तो मैंने आपको नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ओपन सेट और इंटीरियर पॉइंट समझा दिया ये तीन टॉपिक कवर कर दिया अच्छा एक काम करते हैं कुछ क्वेश्चंस मैं करा दूं यहाँ पे डेफिनेशन आपको मैंने बता दिया फाइंड इंटीरियर ऑफ द फॉलोइंग सेट फाइंड इंटीरियर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स पहला 1 2 3 4
थ्री फोर फाइव, सेकेंड क्लोज्ड इंटरवल जीरो वन, थर्ड जीरो वन यूनियन थ्री फाइव, फोर्थ वन बाई एन वेर एन बिलोंग्स टू एन, फिफ्थ सेट ऑफ इंटीजर्स, सिक्स्थ नॉन इंटीजर्स, सेवेंथ सेट ऑफ रेशनल्स, एट्थ इरेशनल्स एंड नाइन्थ सेट ऑफ रियल नंबर. देखो यहां सिर्फ इंटीरियर, अभी एक मैंने बताया इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट, ऑफ अ सेट और इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ अ सेट सिर्फ अगर लिखा हो तो कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ अ सेट. इंटीरियर ऑफ अ सेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स. और बुक में मेनली इसको ए नॉट से डिनोट करते हैं, ए नॉट, ए नॉट इज सेड टू बी इंटीरियर ऑफ अ सेट ए एंड दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स. तो जितने इंटीरियर पॉइंट्स आएंगे ना उनके कलेक्शन को हम कहते हैं इंटीरियर, सिंपली इंटीरियर डिनोटेड बाई ए नॉट. और एक्स इंटीरियर कब कहलाता है, किसी सेट का मेंबर इंटीरियर कब कहलाता है, अगर कम से कम एक ऐसा इंटरवल हो जो उसको कंटेन करे उस पॉइंट को और इसमें कंटेंट हो, सो एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए. तो ऐसे सारे एक्स का कलेक्शन एक सेट बनाएगा जिसे हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ अ सेट. तो इनका इंटीरियर निकालना, पहले वाले का इंटीरियर निकालना है, कैसे करेंगे, डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है. सर फर्स्ट वाले में टेक एनी एक्स बिलोंग्स टू द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 देन फॉर ऑल गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. अच्छा एक एक चीज तो क्लियर है ना कि इंटीरियर के लिए हम सेट के ही पॉइंट चूज करते हैं. तो इस सेट में कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 तो पहले 1 को चेक करते हैं. लेट अस टेक x इक्वल टू 1, लेट अस टेक x इक्वल टू 1 बिलोंगिंग टू This set 1 2 3 4 5, बल्कि इसको नाम दे दो, इसको चलो A लिख दो. तो अब definition आपको क्या कहता है, अगर ये interior point है तो मुझे क्या show करना है, 1 belongs to 1 minus epsilon 1 plus epsilon and this should be contained into this set 1 2 3 4 5. हमेशा मैंने कहा पहले definition लिख लो. अब आप ये बताओ 1 interior point होता so there must exist at least one epsilon greater than zero such that this set is contained. इस containment के बारे में क्या कहेंगे सर, ये given any epsilon greater than zero ये containment नहीं होगा. क्यों नहीं containment होगा सर? उसके लिए हम counter example ले सकते हैं, epsilon equal to half या ऐसे कुछ लेके दिखा सकते हैं. अरे देखो यही होता है ना, देखो discussion का, देखो रिकॉर्डेड क्लास और डिस्कशन में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ पे ये जो है ना ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है. यस सर. और ये इंटरवल ऑलवेज क्या होगा, नॉन ट्रिवियल इंटरवल ऑलवेज क्या होता है, इनफाइनाइट सेट. तो क्या इनफाइनाइट सेट को फाइनाइट सेट में कंटेंट कर सकते हो? नो सर. सो दिस कंटेनमेंट इज नॉट पॉसिबल. सो वन इज नॉट एन इंटीरियर, one is not an interior point. ठीक है, one is not an interior point. अच्छा दूसरा हाल उसी तरह one की जगह two लिख दें तो क्या two के लिए कोई होगा? So two भी interior point होगा?
टू भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, थ्री भी नहीं होगा, फोर भी, फाइव भी नहीं. तो ए नॉट क्या होगा, ए नॉट इज कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, सो ए नॉट विल बी फाइव. डाउट तो नहीं किसी को? नो सर. What about this one? Second वाले के इंटीरियर क्या होगा? Sir, open interval 0, 1 because x equal to 0 and x equal to 1 are not interior. अभी कराया था ना, 0 और 1 इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे, बाकी सारे पॉइंट होंगे. दूसरा मैं अगले पेज पे कर देता हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप ऐसा करेंगे, जैसे आपको a इक्वल टू 0, 1 दे रखा है, तो मेरा क्लेम है कि इसका a नॉट जो आएगा ये ओपन इंटरवल 0, 1 होगा, क्योंकि प्रॉब्लम वही होगी ना, यहाँ पे 0 और यहाँ पे ये 1 है, तो 0 एंड 1 क्लेम इज दैट 0 एंड 1 आर नॉट इट्स इंटीरियर पॉइंट, आर नॉट इट्स इंटीरियर पॉइंट. बाकी सारे रियल नंबर इसके इंटीरियर पॉइंट है, आई मीन लाइंग इन बिटवीन a, 0 और 1 के बीच में लाई करने वाले सारे नंबर इसके इंटीरियर पॉइंट है, बट 0 एंड 1 आर नॉट इट्स इंटीरियर पॉइंट. तो इसको शो करना बहुत आसान है. डेफिनेशन क्या, अगर 0 इंटीरियर पॉइंट होता तो 0 का नेबरहुड 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन, किसी न किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कंटेन हो जाता. हाँ, ये कंटेन हो जाता इस सेट में, 0 1 में कंटेन हो जाता है ना, 0 1 में कंटेन हो जाता. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 0 का जब भी नेबरहुड बनाएंगे तो 0 के लेफ्ट में जाएंगे 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन, तो ये जो पोर्शन है ये इसमें कंटेंट नहीं होने देगा. बात समझ आ गया? उसी तरह 1 पे क्या प्रॉब्लम होगी? 1 प्लस एप्सिलॉन, 1 प्लस जो पॉइंट्स होंगे 1 और 1 प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि बीच के जो रियल नंबर आएंगे वो इसमें लाई नहीं करेंगे. हो गया प्रूफ. व्हाट अबाउट एनी अदर रियल नंबर लाइंग इन बिटवीन 0 एंड 1? कोई दिक्कत नहीं है, इंटीरियर पॉइंट होगा. हाँ, इस एक से इस कॉर्नर की दूरी मेजर कर लो और इस एक्स से इसकी दूरी मेजर कर लो, दोनों का मिनिमम लेके कट मार दो यहाँ पे, सो दैट विल बी ऑलवेज कंटेंट. टेक्निक समझ में आया? मैंने ये कहा था, जैसे ये भी हो सकता है ना कि 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 ले, तो सर ये कैसे शो करेंगे कि ये ऑलवेज लाई करेगा? तो मान लो जैसे एक्स को ले लो, कुछ ऐसा ले लो, जैसे 1/4 ले लिया, सपोज कि एक्स को मैंने क्या ले लिया 1/4, तो 0 से 1/4 की दूरी, ये दूरी कितनी हो जाएगी? 1/4. यस सर. और ये दूरी कितनी हो जाएगी? 3/4. तो 1/4 और 3/4 का मिनिमम कितना है? 1/4. मिनिमम ऑफ 1/4, 3/4 इज इक्वल टू 1/4. तो 1/4 या 1/4 से छोटे लेंथ का इंटरवल कट करोगे ना, तो ये हमेशा ये जो पोर्शन है, ये जो शेडेड आया, वो हमेशा इसके अंदर लाइक कर जाएगा. कंस्ट्रक्शन का भी समझ में आया? यस सर. तो लिखते वक्त यही करेंगे कि किस रेडियस का बॉल लेंगे, एक्स को सेंटर मान के किस रेडियस का कट करें कि ये जो पोर्शन आए वो हमेशा इसके अंदर क्या हो जाए, कंटेंट आ जाए. मैं अगले क्वेश्चन में इसको वे बताऊंगा लिखने का. तो यहां से एनॉट इसलिए कितना आ गया, दिस इंप्लाइज एनॉट इज ओपन इंटरवल 0, 1. ओपन इंटरवल 0, 1. अब पीछे वाले क्वेश्चन पे फिर से आते हैं. तो ये हमने करा दिया, पहला हो गया, दूसरा हो गया. व्हाट अबाउट थर्ड? ओपन इंटरवल 0, 1 यूनियन ओपन इंटरवल. वेरी गुड, यहाँ दिख रहा है 0, 1 यूनियन एंड पॉइंट कभी नहीं होगा इंटरवल में 3, 5. ये हो गया. व्हाट अबाउट दिस वन, फोर्थ? सर ओनली 0 सिंगलटन. फोर्थ पे सोचे, फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है. मैंने सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट पूछा है. क्या होगा इसका थर्ड वाले का? हाँ बताएं आप लोग, तो अपने व्यूज दे. ठीक है, कोई गलती होगी तो मैं कराऊंगा करेक्शन, कोई घबराने की बात. 0 लग रहा है बस, ओनली पॉइंट. हाँ प्रणव,
जीरो देखो प्रणो, हाँ ऐसा है ना कि देखो इसीलिए कहते हैं कि बोलना चाहिए, बहुत अच्छा ठीक है। लेकिन देखो अगर आप डेफिनेशन याद करो तो इंटीरियर पॉइंट के लिए जिस भी पॉइंट को आप क्लेम करते हो वो पहले उसी सेट का होना चाहिए, याद है? हाँ यस सर। लेकिन यहाँ पे जब आप लिखो किसके पॉइंट को 1 1/2 1 1/3 इसमें जीरो नहीं जीरो है, नहीं है ना, तो एक पॉइंट जो आपको लग रहा था जीरो बेसिकली वो भी नहीं है, तो इंटीरियर क्या हो जाएगा इसका 5, इंटीरियर एम्प्टी होगा, ठीक है ना। तो बोलने से क्या होता है ना, गलतियां मिनिमाइज होती है पार्टिसिपेशन से क्लास में। देखो लाइव क्लास में यही फायदा होता है, वरना रिकॉर्डेड तो बहुत लेक्चर यूट्यूब हाउस पे पड़े रहते हैं। अच्छा जैसे मैं ये कह रहा था ना, जैसे अच्छा ये बताओ एक और तरीका मैं बता दूं, क्योंकि अब आप लोग ना बहुत कुछ पढ़ सकते, कुछ काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट के टर्म एक्सप्रेस कर सकते हो। अच्छा ये बताओ कोई भी नॉन ट्रिवियल इंटरवल क्या होता है, अनकाउंटेबल? यस सर, अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल सर। हाँ अब अच्छा चलो मैं ऐसा करता हूँ, ये बताओ ये सेट क्या है, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ये बताओ ये सेट क्या है, काउंटेबल है कि नहीं? ये तो क्लियर है ना, क्या मैपिंग लेंगे, ये ले लो f of n equal to 1 by n, बाइजेक्टिव मिल जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से a a पे अगर मैं ये मैप ले लू तो ऑब्वियसली काउंटेबल है। या देखो ना सिंपली इसके इंडिसेस 1 2 3 से वेरी कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट तो हो गए, सो दिस सेट इज काउंटेबल। अच्छा एक काम करते हैं, मैं ये कह रहा था कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट के लिए, चलो क्लेम क्लेम वन इज एन इंटीरियर पॉइंट, क्लेम वन बिलोंगिंग टू ए इज एन इंटीरियर पॉइंट, तो क्लेम किया कि वन ए इंटीरियर पॉइंट है, तो पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, हमेशा मैंने कहा कि डेफिनेशन पहले लिखे उसके बाद हम बात करेंगे। तो वन इफ दिस वन इज एन इंटीरियर पॉइंट सो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट वन बिलोंग्स टू वन माइनस एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन एंड दिस शुड बी कंटेन्ड इनटू द सेट वन वन बाय टू वन बाय थ्री एंड सो ऑन। ये तो डेफिनेशन है, यहां पे सोचना है कि ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये कंटेनमेंट पॉसिबल है कि नहीं। ये तो ठीक है वन बिलोंग्स टू दिस वन बिकॉज वन का ही नेबरहुड बना तो वन तो उसमें होगा ही होगा, कोई हम डिलीटेड तो बना नहीं रहे, यहां तक डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। अच्छा ये एक बात तो ये बताओ ये कैसा सेट है काउंटेबल और ये कैसा सेट है अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। तो क्या मैं किसी अनकाउंटेबल सेट को काउंटेबल सेट में कंटेन कर सकता हूं? नहीं, नो सर। सो अनकाउंटेबल सेट कैन नॉट बी कंटेन इनटू, ये सारे सेट कैसे थे, A is not equal to B, मान लो ये प्रूफ कराया था ना आपको, ये सब सारे सेट क्या है अनकाउंटेबल, 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 अनकाउंटेबल। एक ये भी लॉजिक आप क्योंकि पीछे चीजें पढ़ रखी है तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि वन इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट बिकॉज वट एवर एप्सिलॉन वी विल चूज हियर दिस सेट वन माइनस एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन विल ऑलवेज रिमेन अनकाउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट कैन नॉट बी कंटेन्ड इनटू अ काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट कैन नॉट बी कंटेन्ड इनटू अ countable set। Actually, देखो problems पे जब apply करोगे ना तो आपका मतलब आप अच्छा सोचना शुरू करोगे। ये सब मैं पीछे डिटेल में करा चुका हूँ, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है एक बार जाके आप एक बार सुन लेना, सिर्फ आपको बहुत आसान चीजें हैं, लोग जबरदस्ती इन चीजों से डरते हैं और मैंने डिस्कशन करा रखा है उसमें पीछे लास्ट ईयर रिकॉर्डेड लेक्चर में, नई चीजें बहुत डिटेल में। यहाँ मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर से दोबारा एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ अपने सामने रिकॉल हो जाए। सीक्वेंस सीरीज तो मैंने काफी डिटेल पढ़ा दिया था, थोड़ा लास्ट में मुझे टाइम इसके लिए कम मिला, लेकिन कोई इतना भी कम नहीं, सिर्फ प्रूफ वगैरह स्किप कर दिए मैंने, लेकिन कम से कम ये एग्जांपल्स तो आप लोग कर ले, मैं चाह रहा हूँ सारे तो इससे आपको चीजें रिकॉल हो जाएगी, ठीक है। तो अब तो उसी तरह वन बाई टू भी नहीं होगा, क्योंकि वन बाई टू का लोगे अगर आप तो वन बाई टू का नेबरहुड बनाओगे तो वहां पर भी यही प्रॉब्लम आएगी, विल नॉट बी कंटेन्ड इनटू द सेट वन वन बाई टू वन बाई थ्री एंड सो ऑन, सेम लॉजिक बिकॉज अनकाउंटेबल। तो वैसे भी याद रखो ना कोई भी काउंटेबल सेट, इसका मतलब एक चीज ये तो क्लियर हो गया, यहां से मैं एक चीज और इंटरप्रेट, नो काउंटेबल सेट इज एन ओपन सेट, इनफैक्ट नो काउंटेबल सेट हैज इंटीरियर पॉइंट कह सकता हूं, क्योंकि अगर सेट काउंटेबल होगा
उसके अंदर ये अनकाउंटेबल सेट कभी कंटेन करा नहीं सकते, तो मैं ये भी कह सकता हूं नो काउंटेबल सेट हैज इंटीरियर पॉइंट. कैन आई से सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स के पास कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा. यस सर. ठीक है, तो इस यहां पे क्या गया, इसका इंटीरियर क्या गया, 5. इंटीरियर ए नॉट इज कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, इसके पास कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं है, सो इट्स ए नॉट इज इक्वल टू 5. अगला क्वेश्चन क्या था, व्हाट अबाउट जेड इंटीजर, ए नॉट इंटीरियर ऑफ जेड सर एम्प्टी. एम्प्टी, अब दिख गया आंसर क्यों, क्योंकि कोई भी अगर इसका मेंबर उठाएंगे और उसके राउंड जो एप्सिलॉन नेबर बनाओगे वो अनकाउंटेबल होगा, और अनकाउंटेबल सेट किसी भी काउंटेबल सेट के अंदर कंटेंट नहीं हो सकता. तो डायरेक्ट आप आंसर एग्जाम में क्लिक कर सकते हैं एम्प्टी, मतलब हम लोग डिस्कशन कर लिया, लेकिन अब इसको कैसे आप इंटरप्रेट करोगे शॉर्ट में. कितने लोगों को समझ में आ गया ये, अच्छा इंटीरियर पॉइंट में याद रखना, आपको इंटीरियर जिस पॉइंट को आप क्लेम करोगे ना वो सेट का ही मेंबर होना चाहिए, बाहर से नहीं लेते. तो मैं ये कह रहा हूं कि चलो जेड ये जो ले रहे हो ना 0 ±1 ±2, इसका कोई भी एक मेंबर बताओ जिसको आप भी आप लेना, चलो 0 ले लो, टेक एक्स इक्वल टू 0, चेक whether this is interior point or not. तो जीरो का नेबरहुड क्या है, 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन, एंड whether this is contained into Z, ये क्या काउंटेबल और ये क्या है अनकाउंटेबल, सो दिस कंटेनमेंट इज नॉट पॉसिबल, दस 0 इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, दस 0 इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट. सिमिलरली चेंज इन प्लेस ऑफ 0 टेक 1, so the neighborhood 1 minus epsilon 1 plus epsilon again it will be uncountable and uncountable set cannot be contained into countable. So by this reason I can say that interior of Z naught is empty because there are no interior points. What about next, I mean R minus Z. हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आर माइनस जेड इसका इंटीरियर क्या होगा, आर माइनस जेड का इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ आर नॉन इंटीजर्स, अच्छा पहले ना एक काम करो आप लोग थोड़ा सा ना डेफिनेशन रिकॉल करो, आर माइनस जेड क्या होगा, अगर एक नंबर लाइन तो बना के एक जस्ट शॉर्ट में आइडिया लिखो तो आपको प्रूफ लिखना आसान होगा. आर माइनस जेड में कौन कौन सा पॉइंट डिलीट करना, सारे इंटीजर्स हटा देने हैं, 0 ±1 ±2 ये सब, वेरी गुड, ये सारे हटा देने हैं ना, मतलब मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, मैं इसको रेड साइन से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, हमें ये सेट में पॉइंट नहीं, ये सब पॉइंट नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स हैं. ठीक है, R माइनस जेड में, R माइनस जेड या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं R बाई जेड ऐसे भी लिख देते हैं, R में से इंटीजर्स हटा दिए, तो इंटीजर्स हटा दिए तो कहीं भी एक डेफिनेशन क्या कहता है, अगर X बिलोंगिंग टू R माइनस जेड, इफ X बिलोंगिंग टू R माइनस जेड इज एन इंटीरियर पॉइंट, इज एन इंटीरियर पॉइंट, देन देर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट X belongs to X minus epsilon, X plus epsilon, and this set is contained into R minus Z. ये तो show करना है. Yes. एक तो yes, X sir. को आपको R minus Z से लेना है. तो definition हमने लिख लिया. अब चलते step by step. देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे. तो मेरा claim ये है कि जैसे आप कहीं भी X ले लो, किसी भी इसमें, यहाँ पे चलो यहाँ पे ले लिया एक X. यहाँ पे मैंने arbitrary X ले लिया 0 से 1 के बीच में. तो आपका सेट क्या है, आपका सेट ये पूरा लाइन है, फिर यहां पे छोड़ दो इसको, फिर ये लाइन है, फिर यहां पे छोड़ के ये लाइन है, ठीक है ना,
मतलब ये वाला पॉइंट एक्सक्लूडेड है, ये पॉइंट एक्सक्लूडेड है, ये पॉइंट एक्सक्लूडेड, जस्ट एक ज्योमेट्री एक्सप्रेस करने के लिए मैंने बता दिया आपको, ताकि आइडिया हो। कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ लिखने से पहले थोड़ा सा एक ज्योमेट्रिकल आइडिया दिमाग में होगा ना, तो आप फिर अच्छे से लिख सकोगे उसको। लिखना वगैरह कैसे है वो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर में डिस्कशन करा रखा है। यहाँ पे जो की पॉइंट है मैं बता रहा हूँ कि जैसे एग्जाम वगैरह में आ गया या आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, तो आप कैसे उसे सोचोगे ऑन स्पॉट कैसे। एक्स जरूरी नहीं एक्स जीरो से वन में हो, इस एक्स को यहाँ पे भी ले सकते हो, टू से थ्री में ले लो, कहीं भी इंटरवल में, मैं तो समझा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको एक ये एप्सिलॉन कट बनाना है, एप्सिलॉन कट। तो देखो यहां से इसकी दूरी मेजर कर लो, यहां से इसकी जो मिनिमम होगा मिनिमम लेके कट लगा दो, बस समझ आ गई। x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, जो कि हमेशा इस सेट के अंदर कंटेंट होगा, तो ऐसा हमेशा पॉसिबल है, मतलब एक एप्सिलॉन आप हमेशा बना सकते हो। तो इसको अगर जनरलाइज करना हो तो मान लो ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, इधर माइनस वन है, माइनस टू है, तो ठीक है। आप मान लो x कहीं भी ले लो, चलो यहाँ पे x ले लिया 1 से 2 के बीच में, तो ये इसको अगर मैं n मान लूं तो ये क्या होगा, n प्लस 1, n प्लस 1। इन जनरल आप कह सकते हैं n लेस देन x लेस देन, अगर मैं n प्लस 1 ले लूं तो आप किस रेडियस का बॉल इसमें, वो एप्सिलॉन क्या होगा जिसके लिए, कम से कम क्वेश्चन ये कि वो एप्सिलॉन आप क्या क्लेम करोगे जिसके लिए कम से कम एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड हमेशा मिल जाए जो x को कंटेन करे और खुद इसके अंदर कंटेन हो, कम से कम एक एप्सिलॉन शो करना होता है। तो हम क्या करेंगे कि एप्सिलॉन को लेंगे मिनिमम ऑफ x से n की दूरी, कितनी होगी x माइनस n, x n के बाद में है ना, तो चाहे तो इसको मॉड ऑफ x माइनस n कर दो, लेकिन क्योंकि x n से बड़ी है, हाँ कॉमा n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 माइनस x है ना, चाहे तो इसका हाफ ले लो चाहे वन थर्ड ले लो, आपको एक बॉल शो करना है। तो आप, मैंने एक एप्सिलॉन क्लेम कर दिया, मतलब एक तो ज्योमेट्री से पहले दिखा दिया कि जैसे एक्स यहाँ है तो आप इससे नियरेस्ट बॉल चूज करके ये कट मार, इसका हाफ कट ले लो, तो ये जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा, ये इतना लेंथ हमेशा इस सेट के आर माइनस जेड में कंटेंट होगा। ऐसा कंस्ट्रक्शन में हर एक एक्स के राउंड कर सकता हूं। सो दिस शोज दैट एवरी पॉइंट ऑफ द आर माइनस जेड इज एन इंटीरियर पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ आर माइनस जेड इज एन, क्योंकि हर पॉइंट के राउंड कर सकते हैं। सो दिस इज द रीजन व्हाई इंटीरियर ऑफ आर माइनस जेड इज आर माइनस जेड इटसेल्फ। यस सर, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर कर दूंगा, आप लोग इस लेक्चर को दोबारा सुन लेंगे, शॉर्ट में ब्रीफ डिस्कशन करा दिया, इतना की पॉइंट बहुत होता है आपको किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए। अगर आप इन एग्जांपल्स पे अच्छे से वर्क करके समझ लो, कोई भी कंपटीशन नहीं, सब में आपको फायदा मिलेगा। चलो अब अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या था, मैं आज शाम में एक और क्लास लूंगा, एक शॉर्ट क्लास ऐसे 45 मिनट्स एक घंटे का, और कल छुट्टी, कल एक एक घंटे के दो क्लास और ले लूंगा, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ एग्जांपल डिस्कशन कराऊंगा और कुछ नहीं। एक और कर लेते हैं, क्यू इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, बताया था ना, यस सर, क्यू इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, रीजन भी आपको बताया था। तो Q का नेबरहुड कितना हो जाएगा, इंटीरियर कितना हो जाएगा, एम्प्टी। वाई, बिकॉज व्हाट एवर एक्स वी चूज फ्रॉम Q, तो ये जो डेफिनेशन है कि इफ एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट तो एक्स माइनस एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन सच दैट एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन, दिस शुड बी कंटेन्ड इनटू Q। पर प्रॉब्लम क्या होगा, ये तो रेशनल है, यहां लॉजिक क्या यूज करेंगे, रेशनल, और ये क्या है, रैशनल प्लस इरेशनल, इसमें इरेशनल दोनों होंगे ना, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, तो ये कंटेनमेंट पॉसिबल नहीं है। सो नन ऑफ दिस इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू बी नेवर। तो बस आपको ये की पॉइंट याद रखना है कि पहले डेफिनेशन लिखना और रेशनल इरेशनल इस कोई भी सेट में, और यहां पे एप्सिलॉन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, देयर एग्जिस्ट। ये ढूंढना था कम से कम एक, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा, no such epsilon exist, such that x belongs to x minus epsilon, x plus epsilon, and it is contained into Q, है ना, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन क्यों ऐसा, ये क्लेम कैसे करोगे कि ऐसा कोई epsilon नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी मैं epsilon चूज करूंगा इस नेबरहुड में रेशनल इरेशनल दोनों होंगे, जबकि सेट ऑफ रेशनल में,
और एंड सेम इज ट्रू फॉर सेट ऑफ इरेशनल, यहाँ पे इरेशनल ले लोगे तो उसमें रेशनल वाले नहीं आएंगे, रेशनल नहीं आएंगे, सो सेम। और आर एंड आर इज नेवर रूट ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा कि इरेशनल का, इरेशनल का इंटीरियर क्या होगा, वो भी एम्प्टी होगा। और आर का हर एक पॉइंट, क्योंकि उसका नेबरहुड है, आर एक आर अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, सो एवरी पॉइंट ऑफ आर इज गोइंग टू बी एन इंटीरियर पॉइंट, एंड दस इंटीरियर ऑफ आर इज कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, सो इट विल बी आर इटसेल्फ। ठीक है, सो यहां से क्या, तो इसका मतलब कोई भी फाइनाइट सेट या काउंटेबल, आई मीन नो फाइनाइट सेट और नो काउंटेबल सेट, काउंटेबली फाइनाइट काउंटेबल सेट, ओके, कैन नॉट बी एन इंटीरियर पॉइंट, विल नॉट बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ एनी ऑफ द पॉइंट। ठीक है, तो मैं ये लेक्चर यहीं कंप्लीट करता हूं, मैं 7 बजे एक घंटे का और लेक्चर लूंगा, 7 to 8। ओके सर, है ना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, इसलिए गैप दे रहा हूँ, थोड़ा सा बैठ के एक बार शॉर्ट में सुन लेंगे 7 से 8 में, जिसमें मैं थोड़ा सा ओपन सेट क्लोज सेट पे कुछ एग्जाम्पल्स, काउंटर एग्जाम्पल्स, डेंस सेट और क्लोज सेट, ये 3 चीज बता दूं, सिर्फ एग्जाम्पल्स कराऊंगा ताकि आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाए। और एक क्लास कल मैं लूंगा जिसपे कॉम्पैक्ट सेट, एक घंटे वो रिवाइज करा दूंगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं 7 PM पे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू।